सबको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, खूबसूरत से रिश्ते के साथ हाजिर हैं। दुआ करेंगे कि ये रिश्ता आपको पसंद आ जाए और हमारी बहन जाहिदा का घर बस जाए। तो ये जो है आज का जो रिश्ता है, इसकी मुकम्मल डिटेल आपकी हिदमत में हाजिर हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको रिश्ता पसंद आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरिए हमारे इस रिश्ते के हवाले से रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपने अपनी मुकम्मल डिटेल जरूर लिखनी है। बहुत सारे भाई हैं जो कि जरूरत बराए रिश्ते के हवाले से सिलेक्ट होते हैं, तो से कल हमारे दो भाई सिलेक्ट हुए हैं। उन खुशनसीब भाइयों का नाम मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। माशाल्लाह से एक का नाम अली भाई है, जो कि माशाल्लाह से रावलपिंडी के रिहायशी हैं। उनका अपना बिजनेस है माशाल्लाह से। और दूसरे भाई के वाले से बात करते हैं तो इमरान, जिनका ताल्लुक कराची से है। इमरान भाई देखिये राजपूत है, कराची से उनका ताल्लुक है। हमारी बहन की फैमिली वालों को देखिये इमरान भाई का रिश्ता पसंद आ गया है और माशाल्लाह से इनकी आपस में बात भी हो गई है। तो रिश्ते माशाल्लाह से दो पक्के हो गए हैं। तो देखिए आज का जो रिश्ता है, इसके लिए भी दुआ करेंगे कि ये भी पक्का हो जाए, इनके लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। तो कल जो है हम इस रिश्ते के हवाले से बात कर रहे हैं कि वाकई में जाहिदा का रिश्ता सिलेक्ट हो गया, जरूरत बराए रिश्ता है हमारे मैरिज प्रोग्राम में से। तो आज का जो रिश्ता है, ये बेवा औरत है, बेचारी 37 साल इनकी एज है। देखिये इनके शौहर का 5 साल पहले इंतकाल हो गया, जिसके बाद जो है बहुत ही ज्यादा अकेली पड़ गई। तो ये जो है तन्हा मजीद जिंदगी नहीं गुजार सकती, तन्हा है और बेवा औरत है, इन्हें तन्हाई दूर करने के लिए दूसरी शादी करना चाहती हैं। तो अगर आपको एतराज नहीं है तो आप इस रिश्ते के हवाले से रब्ता कर सकते हैं। जाहिदा बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह से, और पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह से, देखिए बैंक में मुलाजमत भी करती हैं माशाल्लाह से। और देखिए बात की जाए तो इनकी फैमिली के हवाले से, ये 3 बहने हैं माशाल्लाह से, और देखिए 3 भाई हैं। जी हाँ, 3 बहनें और 3 भाई, और देखिए सारे बहन भाई इनके शादीशुदा हैं। और जाहिदा जो है माशाल्लाह से अपने जाती घर में रिहायशी पजीर हैं। इनके ससुराल वाले बहुत ही ज्यादा अच्छे थे जाहिदा के हवाले से। उन्होंने पहले ही इनको यही मशवरा दिया था कि जाहिदा को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, जबकि इनके शौहर का इंतकाल के 1 अरसे के बाद जो है इनके सास ने और ससुर ने और इनके जेठ ने यही कहा था कि जाहिदा को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन जाहिदा ने दूसरी शादी नहीं की। लेकिन अब जो है ये तन्हा नहीं रह सकती, तन्हाई ने दूर करनी है और उसके लिए दूसरी शादी करना चाहती है, क्योंकि उनसे इजाजत ली है ससुराल वालों से। और देखिए फ्रेंड्स, इनके घर वालों ने भी यही कहा है कि जाहिदा को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अगर आप नेक हैं, शरीफ हैं, पढ़े लिखे हैं तो आप इस रिश्ते के वाले से रब्ता कर सकते हैं। उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं है इस रिश्ते के वाले से। जो भी रिश्ता हो, कास्ट जो भी हो, रिश्ता बस शरीफ होना चाहिए और अच्छी फैमिली से होना चाहिए। जाहिदा शादी करने के लिए तैयार है। देखिये ऐसे जो है अर्जेंट रिश्ता चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए आपने अपनी पूरी डिटेल जरूर लिखनी है। फ्रेंड्स, रिश्ते जो हैं आपको फी सभी लिल्लाह ही मिलते हैं, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, डिटेल एक ही बार लिखिए, फिर जो है मिनटों में इंशाल्लाह ताला रिश्ते आपको मिलेंगे। हम भी यही चाहते हैं कि रिश्ते आपको मिलेंगे और हमारे रिश्ते सिलेक्ट हों। उसके लिए आपने मुकम्मल डिटेल आपने जरूर लिखनी है, जो कि हम हर वीडियो में आपको कहते हैं, ताकि जिन हमारे भाइयों ने अभी अभी हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, उन्हें भी रिश्ते के हवाले से वो रब्ता किस तरह से करें इस हवाले से उन्हें इल्म हो सके। इसलिए हम हर वीडियो में कहते हैं और कहते रहेंगे, क्योंकि रब्ता करने के जरिए आपको पता होना चाहिए, आपको इल्म होना चाहिए कि आप रब्ता हमारे मैरिज प्रोग्राम में रिश्ते के हवाले से किस तरह से करें। तो उम्मीद करते हैं कि ज्यादा का रिश्ता आपको पसंद आया होगा। तो मुझे इजाजत दें ताकि ऐसे ही रिश्ते के साथ कल मुलाकात करें। आपने अपना ख्याल रखना है, दुआ में लाजमी याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।